नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम जानेंगे बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स, जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट पर हम इसका एनालिसिस करेंगे, जिसका यूज आप बैंक निफ्टी के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इंटरडे लेवल्स क्या होगा इम्पॉर्टेंट मंडे के लिए, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर बात करें बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे है। देखिए, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से ऊपर सस्टेन नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे भी इसके ऊपर गया, फिर से यहाँ रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसके नीचे फॉल कर गया, फिर देखिए इसके ऊपर गया, फिर से सस्टेन नहीं किया। तो ये जो लेवल है वह है 37,000 का लेवल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। साथ ही साथ यहाँ पर एक गैप भी है। देखिए, ये गैप है और ये गैप अभी तक बैंक निफ्टी फिल नहीं किया है, तो हो सकता है ये गैप जो है रेसिस्टेंस के तरह वर्क करे और यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक गैप है जो कि रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, और गैप नीचे क्रिएट हुआ हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर 37,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जैसे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर एक डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए विथ हायर वॉल्यूम, और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ निफ्टी जो है 16,800 के लेवल को निकाल लेता है साथ ही साथ, तो और ज़्यादा ये स्ट्रांगनेस देगा बैंक निफ्टी को भी। और बैंक निफ्टी बेयरिश तब होगा जब ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तब जाकर के ये बेयरिश होगा। अभी बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग बैंक निफ्टी है, इसके बेयरिश होने की संभावना अभी काफ़ी कम है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा डिप पे बाय करने का। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक बैंक निफ्टी बेयरिश नहीं होगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ पर पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर 32,200 लेवल, 32,300 लेवल तक लेके आ सकता है। यहाँ पर 37,000 के ऊपर हम बुलिश होंगे बैंक निफ्टी में, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद बेरिश होंगे। वहीं इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में जो बैंक निफ्टी है अभी देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने मिला है। निफ्टी थोड़ा सा आज वीक था, निफ्टी में जो तो पुल बैक था वो काफ़ी नीचे देखने मिला था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कोई पुल बैक नहीं देखा, वन साइडेड मोमेंटम किया है। तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, तो जैसे ये इसके ऊपर निकलता है जो कि 36,830 के ऊपर निकलेगा तो हम इसको बाय करेंगे, और जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा हमारा 37,000 का। वही बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को नीचे जाता है जो कि 36,500, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये वीकनेस दिखा सकता है, जो कि यहाँ पर 36,000 तक लेवल तक ये नीचे मोमेंटम कर सकता है। और जैसे ये 36,000 के नीचे जाएगा तो फिर पूरी तरह से बेरिश होगा, इंटरडे बेसिस पे हम अच्छा खासा मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि 36,500 के लेवल को ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो फिर आप वहाँ पर प्राइस सेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। पहले 15 मिनट तक देखना है कि किस तरह का प्राइस सेक्शन बढ़ रहा है, उस तरह से आपको बुलिश या बेरिश ट्रेड लेना है। तो बैंक निफ्टी में 37,000 का लेवल, 36,500 का लेवल और 36,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37,000 के ऊपर निकलता है तो पूरी तरह से बुलिश होगा, अगर 36,500 के नीचे जाता है तो फिर हम 36,000 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, या आप कॉल सेल कर सकते हैं। वही 36,000 के नीचे जाता है तो फिर अच्छा खासा यहाँ पर आपको इंटरडे बेसिस अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।